ये खबर बहुत ही महत्वपूर्ण है और जानकारी वाली भी होगी। गूगल को लेकर हम विशेष चीज बताएंगे जो गूगल के बारे में संभवतः आप नहीं जानते होंगे। आप गूगल का 20 वर्षों का जो पूरा इतिहास रहा है, 20 वर्षों में कौन सा उतार चढ़ा हुआ है। गूगल को तीन तीन बार बेचने की कोशिश की गई लेकिन इसे खरीदार नहीं मिल रहा। आप अंदाजा कर सकते हैं कि ऐसे में आज विश्व का टॉप मोस्ट कंपनी बन जाना एक दिलचस्प वाक्य हो सकता है। 20 वर्ष पहले जब गूगल की शुरुआत हुई थी उस समय उम्मीद नहीं किया गया होगा कि पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा सर्विस सेक्टर को प्रोवाइड करने वाला ये क्षेत्र बन जाएगा और सबसे बड़ा सर्च इंजन बनेगा। लेकिन गूगल शब्द कैसे आया, इसका आविष्कार कैसे हुआ और इत्तेफाक से यही कैसे आगे बढ़ गया, सभी चीजों पर आज हम बात करेंगे। कि गूगल 20 वर्ष का हुआ है, यानी कि ये शुरुआत ठीक आज से 20 वर्ष पहले हो गया था। इसकी लॉन्चिंग सितंबर के महीने में की गई और होम पेज पर गूगल ने अपना ही एक वीडियो डाला है जिसका नाम ही डूडल रखा है और इसमें उसके सर्च का इतिहास बताया गया है। उसी को लेकर हम ये वीडियो आप तक शेयर कर रहे हैं कि 1995 में ये शुरुआत किया गया था जिसमें सरगई ब्रिन टूर पर बने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में गए थे और वहां उसकी मुलाकात उसी यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट लैरी पेज से हुई, जो दोनों ने बाद में मिलकर एक नया सोच लाया और इसका नाम गूगल रखा। तो मिशिगन में शुरुआत हुआ अमेरिका में। शुरू में बहुत छोटी सी ये यूनिट बनाई गई थी। ब्रिन और पेज डॉर्मेट्री में जब एक साथ रहते थे दोनों लोग तो बहुत सारा पुराना पुराना कंप्यूटर इन्होंने अपने साथ रखा था और रिसर्च प्रोजेक्ट उस पर करते थे। रिसर्च प्रोजेक्ट के दौरान इनके दिमाग में आइडिया आया कि क्यों ना एक ऐसा रिसर्च इंजन बनाया जाए, एक सर्च इंजन बनाया जाए जो हर लोगों का काम आसान करे। उस समय इंटरनेट पर कोई भी चीज ढूंढने के लिए उसका लिंक खोलना पड़ता था। उसके बाद 500-700 लिंक खुल जाते थे, लोगों के लिए परेशानी होता था। तो ब्रिन और जो पेज दोनों लेरी पेज ने मिलकर के ये कॉन्सेप्ट लाया कि प्रोग्राम बनाए जिसमें डायरेक्ट कोई भी चीज खुल जाए। तो इसको लोग पसंद करने लगे, अमेरिका में हिट हो गया, यूरोप में हिट हो गया और ये लोग पीएचडी की पढ़ाई कर रहे थे लेकिन बीच में इन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और लगा कि यही काम अच्छा होगा। शुरू में गूगल का नाम बैकरप था तो बैकरप प्रोजेक्ट से इसकी शुरुआत की गई इनिशियल फेज में और ये प्रोजेक्ट चलने लगा। बहुत अच्छा सक्सेस नहीं था लेकिन अगस्त 1996 में बैकरप का नाम बदलकर गूगल हो गया और यह नाम गूगल से आया। गूगल का मतलब होता है कि 10 to the power 100, 10 का जब आप घातांक 100 कर दीजिएगा तो उसको गूगल बोलते हैं। मतलब उतना गुना हमको ज्यादा वर्क करना है, उस कैपेसिटी में करना है, उस स्पीड में करना है। इसी सोच के साथ गूगल शब्द गूगल के रूप में आया है, मतलब पावर। और इसका पहला वर्जन स्टैनफोर्ड की साइट पर ही बनाया गया था। बहुत से कंप्यूटर को जोड़ करके उन्होंने तैयार किया और इसके लिए बैंडविड्थ की जरूरत पड़ी तो बाकी इंटरनेट का कनेक्शन सब जगह बंद हो करके इनको दिया गया। जब गूगल थोड़ा 1998 में उतना लोकप्रिय नहीं हुआ था 1998 में, तो गूगल ने yahoo.com को गूगल बेचने की कोशिश की थी कि गूगल आप खरीद लीजिए। ये 1998 की बात है पर उसकी बात नहीं बनी, जो रेट ये मांग रहे थे नहीं मिला। 1999 ईस्वी में गूगल को एक्साइट नाम की एक कंपनी को फिर से बेचने की कोशिश की गई। ये उस समय का 1999 में सेकेंड लार्जेस्ट सर्च इंजन था एक्साइट, उसमें भी नहीं बिका। उस समय एक्साइट याहू के बाद दूसरी कंपनी थी और गूगल के लिए $10 लाख तब 4 करोड़ रुपये के आसपास होता था ये कीमत मांगी थी लेकिन बात नहीं बना और इसकी कीमत घटा करके $7.5 लाख यानी कि 3 करोड़ रुपये कर दिया गया।
तो एक्साइट के सीईओ उस समय जब डील मंजूर नहीं हुआ तो गूगल ने बोला कि हम अपने दम पर काम करेंगे, फिर यूट्यूब बनाया गया। गूगल के कई साइट पर इंजन की तैयारी की गई, सर्च इंजन की तैयारी की गई और छोटे छोटे यूनिट को गूगल खरीदना शुरू कर दिया और इसका नतीजा हुआ कि आज वर्ल्ड का लार्जेस्ट कंपनी बन गया है। तो किस्मत तो कभी भी बदल सकता आप अंदाजा कर लीजिए कि छोटी सी शुरुआत आज पूरे वर्ल्ड में राज कर रहा है। तो ये आप भी कर सकते हैं कोई छोटी सी शुरुआत और आने वाले समय में पूरे वर्ल्ड में आप भी अपना राज और सिक्का जमा सकते हैं। कोई बहुत बड़ी अनहोनी नहीं है, चाहे वो संगीत का क्षेत्र क्यों ना हो, एजुकेशन का हो, कोई कंपनी का हो, सब्जी बेचने का ही हो, लेकिन कोई नयापन और इनोवेटिव आइडिया, क्रिएटिव आइडिया ही आपको उस मुकाम तक लेकर जाती है जिसमें पेशेंस सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है। अगर आपके पास धैर्य है और पेशेंस है और आप क्रिएटिव हैं तो हम आपको आश्वासन क्या गारंटी देते हैं कि आपकी सफलता आपके साथ होगी। हमारे साथ आप बने रहिएगा ऐसी उम्मीद में भी कि आप एक दिन गूगल की जैसी कंपनी बना लेंगे। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।